नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। NHM कर्मचारियों का धरना 10वें दिन भी जारी है। गुस्साए कर्मचारियों ने टर्मिनेशन नोटिस की प्रतियां जलाई, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा चुनाव को देखकर झुकना पड़ेगा सरकार को, नहीं मानी सरकार तो आंदोलन होगा और तेज। आप देख रहे हैं पल पल। रेवाड़ी से महेंद्र भारती की ये खास रिपोर्ट। सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर के पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठे NHM कर्मचारियों का गुस्सा आज भी उस समय 7वें आसमान पर पहुंच गया जब स्वास्थ्य विभाग की ओर से 23 कर्मचारियों को टर्मिनेशन नोटिस जारी किया गया। गुस्साए कर्मचारियों ने न केवल टर्मिनेशन नोटिस की प्रतियां जलाई बल्कि सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो उसका आंदोलन और तेज हो जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे सरकार से ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं बल्कि सिर्फ सेवा सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं और यह गारंटी देने में सरकार कोई परहेज नहीं होना चाहिए सरकार को, क्योंकि लगातार प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे सरकार से और इसके अलावा कुछ भी मांग नहीं कर रहे हैं। पिछले 18-20 सालों में विभाग को अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, इसलिए ये उनका अधिकार बनता है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से कर्मचारियों को आश्वासन जरूर मिला है लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। आइए देखते हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। कहेंगे 10वां दिन है धरने का। देखिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारी जो मेन मांग है सेवा सुरक्षा, वो हमें चाहिए। हमें आज नोटिस दे दिया गया है टर्मिनेशन का, लेकिन हमें इस चीज़ के लिए मतलब ये गर्व की बात है कि हम सभी कर्मचारी एक साथ हैं, हम अपना हक लेकर रहेंगे। सरकार को हमारी बातें माननी ही होंगी, हमारी मांगें पूरी करनी ही होंगी। क्या लगता है क्यों नहीं मान रही सरकार अभी तक? देखिए ऐसा है, इसमें सरकार क्यों नहीं मान रही है ये तो मैं क्या बता सकती हूँ इस बारे में, लेकिन सरकार को हमारी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज है, सरकार को माननी चाहिए। जी क्या कुछ है आज 10वां दिन है धरने का आपका? जी 10वां दिन है। कल हमें जिला रेवाड़ी के अंदर नोटिस मिले हैं, 100 कार्य नोटिस मिले हैं टर्मिनेशन के, जिसकी प्रतियां कर्मचारियों में जिससे बहुत भारी रोष है और कर्मचारियों ने अपने आंदोलन को और उग्र करते हुए आज उनके नोटिसों की प्रतियां जड़ाई है। क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है सरकार मान नहीं रही है? देखिए कल मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मांगों पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये अपील करना चाहूँगा कि भाई जल्द से जल्द कार्रवाई करवा करके हमारी समस्याओं का समाधान करें ताकि ये हड़ताल हम खत्म करें और जनहित में हम जन कल्याण के लिए काम कर सकें। तो क्या कहेंगे हड़ताल को लेकर? हड़ताल हमारी जो है कामयाब है। हमारे 23 कर्मचारियों को जिला रेवाड़ी में नोटिस मिले हैं, जिसमें मैं आयुष प्रधान हूँ, मुझे भी मिला है। और जो है अभी मीडिया के माध्यम से पता चला कि CM साहब ने गुड़गांव में कल ये कहा है कि स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी जो है उस हड़ताली कर्मचारियों से बात कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहूँगा कि हमारी बात MDIM NHM से भी विफल हो चुकी है, ACS से भी विफल हो चुकी है। अब मुख्यमंत्री जी को खुद संज्ञान लेना चाहिए। और 10 दिन से NHM कर्मचारी धरने पर बैठे, क्या कहेंगे? जो धरने कर्मचारी बैठे हैं उनके जैसे RTS हमारा स्टाफ 102 का, उसके लिए हमने रोडवेज से बात कर ली और हमारे 10 ड्राइवर आ जाएंगे, उनका कर लिया। 100 का नोटिस भी दिया गया है कर्मचारियों को, 23 कर्मचारियों को 100 का नोटिस दिया है। वे 24 घंटे के अंदर या तो ड्यूटी ज्वाइन करें, अदरवाइज टर्मिनेशन की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर जिस तरीके से करीब 400 कर्मचारी यहाँ स्ट्राइक पर हैं, तो स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं? हाँ, निश्चित रूप से प्रभावित हो रही है। क्या कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था की? उसके लिए हमारे पास रेगुलर स्टाफ, उसके हमने व्यवस्था कर दी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ड्राइवर्स बुलाए गए हैं रोडवेज से, इसके अलावा दूसरे पदों पर जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ क्या व्यवस्था की? उसके लिए भी अगर ये कर्मचारी भर्ती बात, तो नई भर्ती की जाएगी, फिर सरकार के आदेश होंगे हिसाब से। तो अभी नोटिस जो दिए गए जिन कर्मचारियों को, तो क्या कुछ कार्रवाई आगे अमल में लाई जाएगी? उसके टर्मिनेशन की कार्रवाई जी।